आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आरएस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय दो। अध्याय दो का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय दो के अंतर्गत धारा 8 का है, जिसमें सिद्धांतों का विवरण तैयार करना के संबंध में, यानी कि धारा 8 का में चकबंदी के सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाता है। तो साथियों हम धारा 8 का की उपधारा 1 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 8 का की उपधारा 2 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 8 का की उपधारा 3 के संबंध में चर्चा करेंगे और प्रश्न रूपी विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे इस टॉपिक को। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। साथियों हमारा चैनल है विधि ज्ञान चर्चा चैनल, इंग्लिश में भी लिख दिया है विधि ज्ञान चर्चा। हमारे चैनल पे सभी प्रकार के विधि से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। तो साथियों अब आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। अध्याय दो का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। साथियों हमारा भाग 26 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 26वां वीडियो है। अध्याय दो के अंतर्गत धारा आती है 8 का, सिद्धांतों का विवरण तैयार करना। धारा 8 का के अंतर्गत चकबंदी के जो सिद्धांत है उनका विवरण तैयार किया जाता है। अब साथियों देखते हैं धारा 8 का की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है। सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में एक विवरण, जिसे यहां आगे सिद्धांतों का विवरण कहा गया है, नियत आकार में तैयार करेगा, जिसमें सिद्धांत दिए होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबंदी क्रियाओं के करने में किया जाएगा। जो धारा 8 का की उपधारा 1 है उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के परामर्श, यानी जो चकबंदी समिति बनी है उसके परामर्श से चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में एक विवरण तैयार करेगा, इस विवरण को ही आगे सिद्धांतों का विवरण कहा गया है, नियत आकार में तैयार करेगा, जिसमें वे सिद्धांत दिए होंगे जिनका अनुसरण चकबंदी क्रियाओं को करने में किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 8 का की उपधारा 2। जो धारा 8 का की उपधारा 2 है उसमें सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें होंगी। धारा 8 का की उपधारा 2 में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें निम्नलिखित बातें होंगी, वो कौन कौन सी बातें होंगी, खंड का है। तो साथियों देखते हैं खंड का है, खंड का में बताया गया है उन क्षेत्रों के विवरण जहां तक उस समय अवधारित किए जा सके जो आबादी के प्रसार, जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए तथा ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो नियत किए जाए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। खंडका में है कि उन क्षेत्रों के विवरण जहां तक वे समय अवधारित किए जा सके जो आबादी के प्रसार, जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन, यानी जो हरिजन और भूमिहीन व्यक्ति हैं उनकी आबादी के लिए तथा ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो नियत किए जाएंगे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। उसके बाद खंडखा है, खंडखा में बताया गया है कि वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रसार के लिए देंगे। खंडखा में यह प्रावधान है कि जब कोई खातेदार अपनी भूमि आबादी प्रसार या सार्वजनिक प्रसार के लिए देगा
तो उसके आधार लिखे जाएंगे कि वो किस आधार पे भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए या आबादी के प्रसार के लिए दी जा रही है। उसके बाद खंडगा में है उस भूमि के विवरण जो 1951 ईस्वी उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अधीन गांव सभा या स्थानिक अधिकारी की निहित भूमि में ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएगी। खंडगा में बताया गया है कि उस भूमि के विवरण जो 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जमींदारी विकास और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 और 117 का अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 61 के अधीन गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएगी। उसके बाद खंडघा है प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा, प्रत्येक कटक के लिए एक मानक गाटा निश्चित होगा, वो गाटा जो सबसे बेस्ट गाटा होगा वही गाटा मानक गाटा होता है। तो ये उसमें दिखाया जाएगा जो सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाएगा उसमें मानक गाटा दिखाया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 8 का की उपधारा 3, 8 का की उपधारा 3 में ये प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता अवस्थित और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा 2 के खंड घा में विनिर्दिष्ट मानक गाटों का अवधान करेगा। यानी कि जो धारा 8 का की उपधारा 3 है उसमें प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता अवस्थित और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा 2 की खंड घा में विनिर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा। धारा 8 का को समझने के लिए निम्न बिंदुओं प्रश्नों पर चर्चा करना आवश्यक है। धारा 8 को समझने के लिए कुछ प्रश्न रूपी बिंदु हैं उन पर चर्चा करना आवश्यक है। इसकी चर्चा से ये टॉपिक हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें साथियों देखते हैं नंबर 1 है सिद्धांतों का विवरण क्या है। जो सिद्धांतों का विवरण है वो क्या है, सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी समिति के परामर्श से तथा उतने खातेदारों से जितने की वह एकत्र कर सके पूछताछ करने के पश्चात जो चकबंदी आकार पत्र 21 में सिद्धांतों का विवरण तैयार करेगा। सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएंगे, जो सिद्धांतों का विवरण है उसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएंगे। नंबर का है यानी खंड का है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1954 के नियम 20 का के अधीन अवधारित मानक गाटों का ब्यौरा, और नंबर खा है खंड खा है आबाद स्थल नहरों गुलों के साथ उनके रजबहों सड़कों बाकुआ नालों नालियां कब्रिस्तान शमशान और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त अन्य क्षेत्र। उसके बाद खंड गा है किन्हीं भी मतों स्थल उनकी लंबाई चौड़ाई में प्रस्तावित परिवर्तन या परिवर्धन। नंबर घा है किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र जैसे खाद गड्ढे सड़क रास्ते गोचर भूमि शमशान कब्रिस्तान अस्पताल विद्यालय पंचायत घर खेल मैदान आदि। अब साथियों देखते हैं दूसरा पॉइंट है रास्ता चकमार्ग या नाली की व्यवस्था कैसे होती है। यानी कि चकबंदी के दौरान रास्ता चकमार्ग या नाली की व्यवस्था कैसे होती है।
चकबंदी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रास्ता, चकमार्ग, नाली आदि की व्यवस्था किसी भी स्तर पर की जा सकती है। इस संबंध में चकबंदी अधिकारी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है और इसके लिए कोई भी काश्तकार आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब है, चकबंदी दौरान जो चकमार्ग, नाली या रास्ता है उसके लिए कभी भी आवेदन किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखते हैं साथियों, नंबर 3 है, सिद्धांतों के विवरण का संशोधन कैसे होता है। जो सिद्धांतों का विवरण होता है उसमें संशोधन कैसे होता है। सिद्धांतों के विवरण के संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम प्रभारी को दिया जाता है। उपसंचालक चकबंदी को उसे संशोधित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं साथियों, नंबर 4 है, जो चौथा पॉइंट है, यही चौथा प्रश्न बनता है, वो है चकबंदी समिति का परामर्श क्या है। कहने का मतलब है, जो चकबंदी समिति है उसका परामर्श क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 का की उपधारा 1 में स्पष्ट विधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से नियत आकार में सिद्धांतों का विवरण तैयार करेगा, जिसमें चकबंदी समिति के संबंध में किया गया उपबंध अनिवार्य है। सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में चकबंदी समिति का परामर्श नहीं लिया गया तो समस्त कार्रवाई दूषित समझी जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर 5 है, जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा प्रश्न बनता है, वो है सिद्धांतों के विवरण पर आपत्ति क्या है। जो सिद्धांत के विवरण है उस पर आपत्ति क्या है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन कोई खातेदार या हित निहित व्यक्ति सिद्धांतों के विवरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जब धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। चकबंदी अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा 9 का की उपधारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का निस्तारण नियत रीति से करेगा। अब साथियों देखते हैं, नंबर 6 है, जो छठा पॉइंट है, छठा प्रश्न बनता है, वो है सिद्धांतों के विवरण की वैधता क्या है। जो सिद्धांत के विवरण हैं उनकी वैधता क्या है। तो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 का के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी सिद्धांतों का विवरण तैयार करता है। सिद्धांतों के विवरण के संबंध में धारा 8 का के अधीन किया गया उपबंध वैध है। अब साथियों देखते हैं, नंबर 7 है, जो सातवां प्रश्न बनता है, वो है आपत्तियां किस रूप में प्रस्तुत की जाएंगी। जो सिद्धांतों का विवरण है उसमें आपत्तियां किस रूप में प्रस्तुत की जाएंगी। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9 की उपधारा 2 में विधान किया गया है कि कोई भी खातेदार या हितबद्ध व्यक्ति सिद्धांतों के विवरण के संबंध में आपत्ति लिखित रूप में नियत समय के अंदर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर 8 है, सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्ति पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील कब। यानी जो आठवां प्रश्न बनता है वो है सिद्धांतों के विवरण पर आपत्ति पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील कब दाखिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9 खा की उपधारा 3 में यह विधान किया गया है कि सिद्धांतों के विवरण के संबंध में चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उससे क्षुब्ध व्यक्ति अलोच्य आदेश के दिनांक से 21 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी अपील में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश अधिनियम के अधीन की गई
अन्य या व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। अब साथियों देखते हैं नंबर नौ है, निगरानी कब दाखिल की जा सकती है, नहीं निगरानी कब, इसका मतलब हुआ कि निगरानी कब दाखिल की जा सकती है, जो सिद्धांतों का विवरण है उसके संबंध में निगरानी कब दाखिल की जा सकती है। जब खातेदार या हितनिहित व्यक्ति धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करता है तो सहायक चकबंदी अधिकारी प्रस्तावित पक्षों के सुनने तथा चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद अपना प्रतिवेदन चकबंदी अधिकारी को निस्तारण के लिए प्रेषित करता है। चकबंदी अधिकारी संबंध पक्षों एवं चकबंदी समिति के उचित पूर्ण सूचना देने के पश्चात स्थल निरीक्षण करेगा और इसके बाद नियत रीति से आपत्ति निस्तारण करेगा। चकबंदी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश की तिथि से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। धारा 9 खा की उपधारा 3 में विधान किया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। अधिनियम 1953 की धारा 48 में यह विधान है कि चकबंदी संचालक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या किसी कार्रवाई का अभिलेख मंगा सकता है और जांच कर सकता है। उपसंचालक चकबंदी धारा 9 खा की उपधारा 3 के अधीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी स्वीकार करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब साथियों देखते हैं नंबर 10 है, जो 10वां पॉइंट है वो बनता है आपत्ति अपील एवं निगरानी दाखिल करने की अवधि क्या है, यानी कि आपत्ति अपील एवं निगरानी दाखिल करने की अवधि क्या है। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन कोई खातेदार या अन्य हितप्रद व्यक्ति धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन नोटिस प्राप्त करने या प्रकाशन होने की तिथि से 21 दिन के अंदर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष सिद्धांतों के विवरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। धारा 9 खा की उपधारा 1 या 2 के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आलोच्य आदेश की तिथि से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। धारा 9 खा की उपधारा 3 के अधीन बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर उपसंचालक चकबंदी के समक्ष धारा 48 के अंतर्गत निगरानी दाखिल कर सकता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो में समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत धारा 8 का यानी सिद्धांतों का विवरण तैयार करने के संबंध में और धारा 8 का की उपधारा 1 के संबंध में समझा और धारा 8 का की उपधारा 2 के संबंध में और धारा 8 का की उपधारा 3 के संबंध में और प्रश्न रूपी विभिन्न बिंदुओं पर भी हमने चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।